और वहीं भोपाल का 13वां और प्रदेश का 57वां ऑर्गन डोनेशन के लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया। अंगदान के लिए 203 किलोमीटर ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया है। आपको बता दें कि सोहागपुर नगर के जैन परिवार के 24 वर्षीय युवक अनमोल को कमेटी ने ब्रेन डेड जो है वो घोषित किया और उसके बाद परिजनों ने उसके ऑर्गन डोनेट करने का फैसला लिया। ऑर्गन भेजने के लिए सिद्धांता रेडक्रॉस हॉस्पिटल से इंदौर के चौथराम अस्पताल तक 203 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। युवक की एक किडनी रेडक्रॉस अस्पताल के मरीज को तो दूसरी चिरायू अस्पताल भोपाल के मरीज को भेजी जा रही है, जबकि लीवर चौथराम अस्पताल इंदौर और हार्ट अहमदाबाद को भेजा जा रहा है। तो वहीं उसके फेफड़े रिसीवर के संबंध में बात चल रही है। स्किन कॉर्निया की प्रोसेस भी पूरी हो गई है। पहली बार पेनक्रियाज और आंतों के लिए भी रिसीवर ढूंढा जा रहा है। दरअसल भोपाल में 17 नवंबर को 24 वर्षीय अनमोल जैन की बाइक का डिवाइडर से टकरा गई थी। इस हादसे में अनमोल के सिर पर गंभीर चोट आई थी। सिर में ब्लड क्लॉटिंग होने से ब्रेन की सर्जरी की गई। 8 दिन अनमोल ने सर्वाइव किया, लेकिन 25 नवंबर को ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो गया और उसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। 26 नवंबर को दोपहर को डॉक्टर ने पेरेंट्स को बताया कि वेंटिलेटर पर अनमोल की तो सांस चलती रहेगी, लेकिन वह ब्रेन डेड लेकर स्टार्टअप किया था। परिजनों ने ब्रेन डेड के बाद अंगदान करने का फैसला लिया और आज शाम अनमोल का शव नगर में आने पर उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। के लिए संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, किस तरह से ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया है और अभी क्या वहां पर आप देख रहे हैं स्थिति? जी, यदि हम बता दें कि जो सुहागपुर नगर का जो अनमोल जैन है वो जी पिछले 17 सितंबर में उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद उसका ब्रेन हेमरेज चल रहा था। कल शाम को उसकी उसकी डॉक्टर ने मौत की पुष्टि की थी और आज सुहागपुर में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी, और हमारे साथ देवेंद्र आप बने रहिएगा, हमारे साथ भोपाल से संजय डोंगर दिवे भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया है, ये ग्रीन कॉरिडोर अभी इस वक्त तैयार किया जा रहा है या पूरी तरह से बन चुका है? बिल्कुल, अच्छा मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आज सुबह से ही ग्रीन कॉरिडोर भोपाल में पहली बार 3 बार ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, इसमें सीधी सीधी बात देखा जाए तो सुबह जब पहली बार जब एयरपोर्ट से एयरपोर्ट जब पहली बार क्योंकि बाहर जाना था अनमोल का जो एक अंग थे वो बाहर जाना था उसको लेकर एयरपोर्ट तक एक बार ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, जिसमें हम देख रहे कि वहां से उनके जो सिद्धांता अस्पताल है वहां से एयरपोर्ट तक एक एम्बुलेंस में जो काफी जल्दी पहुंचना था उसको लेकर पुलिस ने पूरी सख्ती के साथ और पुलिस ने पूरी व्यवस्था के साथ और आमजनों ने भी इस चीज को सम्मान देते हुए आज ग्रीन कॉरिडोर जो बनाया गया उसको पूरी तरीके से खाली रखा और कहीं पे भी व्यवधान नहीं आया। उसी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो दूसरा कॉरिडोर भी निकल गया है, अब तीसरे की बारी है। तीसरा जो कि इंदौर के लिए निकल रहा है उसको लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। लेकिन अगर देखा जाए जिस प्रकार से आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ही दिन में 3 बार कॉरिडोर बना है जो अपने आप में एक इतिहास बताता है कि अब जो अनमोल जैसे 23 साल का युवा जिसके माता पिता ने एक अनमोल के कारण 5 लोगों को अनमोल जिंदगियां जो दी है उसको लेकर लगता है कि अब लोग इस ओर जागरूक हो रहे हैं और अनमोल से ही मिलते जुलते और परिजन भी इसकी ओर आकर्षित।